नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मानसून आने को है और फरीदाबाद में मानसून के अंदर हाईवे के ऊपर आपको कई किलोमीटर के लंबे जाम अक्सर देखने को मिलते थे, लेकिन अब यातायात पुलिस इस जाम से फरीदाबाद वासियों को राहत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करती दिखाई दे रही है। यातायात पुलिस के एसीपी विनोद कुमार की माने तो उन्होंने इस कड़ी में दो ट्रकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिन्होंने गलत तरीके से रोड पर गाड़ी पार्क की हुई थी। वहीं यातायात पुलिस ने फरीदाबाद में अक्सर जाम लगने वाले कई पॉइंटों को चिन्हित किया है और उन्हीं के ऊपर यातायात पुलिस स्थानीय लोगों के सहयोग से काम करना शुरू कर रही है। बरसाती मौसम में अक्सर हाईवे के ऊपर वाटर लॉगिंग की समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती थी, उसी को लेकर यातायात पुलिस ने नगर निगम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और FMDA को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत करा दिया है। इसी के साथ यातायात पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि जिस समय बरसात का पानी सड़कों पर भरा होता है तो उस दौरान लोग बिना वजह वाहनों को लेकर सड़कों पर ना निकलें। ट्रैफिक पुलिस अब ऑटो चालकों के लिए भी जगह निर्धारित करेगी, जिसमें हर जगह को जाने वाले ऑटो को अलग अलग जगह मुहैया कराई जाएगी। बल्लभगढ़ बस स्टैंड के सामने अक्सर देखा जाता है कि रेहड़ी पटरी वालों की वजह से लंबा जाम लग जाता है और अब यातायात पुलिस ने नगर निगम के सहयोग से इन रेहड़ी पटरी वालों को भी जगह मुहैया करवाने के लिए बात की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यातायात पुलिस के इन तमाम प्रयासों के बाद फरीदाबाद की जनता को आखिरकार जाम से राहत मिल पाती है या नहीं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता विकास पहलियान की रिपोर्ट। लगातार जो है वो व्यवस्था जिस तरीके से चल रही थी ट्रैफिक की फरीदाबाद में, जाम की स्थिति अक्सर देखी जाती है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन? देखिए, जैसा रेनी सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है और कुछ बारिश प्री मानसून की हम कह रहे हैं जो हुई है, उसको देखते हुए कुछ समस्याएं हमारे संज्ञान में आई है, जिसमें से एक समस्या है देखने में आई है कि वाटर लॉगिंग की समस्या जो देखते हैं हाईवे पे भी और जो लोकल एरिया है, जो दूसरी सड़कें शहर की लोकल सड़कें हैं, जो उन पर भी वाटर लॉगिंग की समस्या देखने में आ रही थी। तो हाईवे पे हमने NHAI के थ्रू कॉन्टेक्ट करके जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग और STP के प्लांट्स इस तरह से MCF से कॉन्टेक्ट करके जो हम स्टार्ट करा सकते थे हाईवे पे, हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके स्टार्ट करा दिया है। जैसा कि आज की जागरण की रिपोर्ट में भी आप देख पाएंगे कि लगभग काम शुरू हो गया और फिर भी हम उस पर निगरानी कर रहे हैं, देखते हुए निगरानी में जो भी और चीज़ें हमारे सामने आएगी तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। और वाटर लॉगिंग में मैं इसी संबंध में वाटर लॉगिंग में मैं MCF से भी हमारे CP साहब के आदेश पे और हमारे DCP साहब की गाइडलाइन में इस तरह की हम पत्राचार कंटिन्यू इसमें कर रहे हैं और जनता से भी ये अपील करेंगे इसमें कि जब बरसाती सीज़न हो तो उसमें बिना वजह घर से ना निकले। अगर जाम का है तो उसको आप जाम कम होने में उसके बाद अगर घर से निकलेंगे तो ये आपके माध्यम से मैं फरीदाबाद वासियों से अपील भी करूँगा। और इसके साथ साथ एक समस्या ये भी देखने में आ रही है हमारे कि जैसे बीच में हाईवे पे या लोकल जो रास्ते हैं उन पर ट्रक वगैरह खड़े हो जाते हैं और तो ट्रकों का नो पार्किंग का इससे हम उनके चलान कर रहे हैं। साथ साथ अभी एक अभियान हमने ये भी चलाया है कि CP साहब ने जैसे आदेश हुए हैं सख्त कार्रवाई करें, तो इस संबंध में हमने FIR भी दर्ज करानी शुरू हुई है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।